हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट शेफ मनोज लेक्स और नकोचरदार। और आज की जो वीडियो है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, या जो लोग अभी नए नए होटल में आए हैं, एचएम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, आप मेरे पास ये है, मेरे पास एक शेफ नाइफ, इसको शेफ नाइफ कहा जाता है, ये लॉन्ग शेफ नाइफ है। तो इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, आइए जानते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये मैंने नाइफ पूरा पकड़ा और सामने जो ये आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं पॉइंट। ये नाइफ का पॉइंट है। इससे नीचे अगर आप आएंगे हल्का सा आपको ये टिप, ये सामने इसका पॉइंट हो गया, ये नीचे इसका टिप है नाइफ का। और थोड़ा सा आप इधर को आ जाएंगे तो ये है कटिंग एज, जिससे कि आप कटिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। और यहाँ आप आ जाएंगे इसके बाद से कोने पे हैंडल से जस्ट बगल में, तो इसको हील बोला जाता है। हील यानी कि हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको चॉपिंग करनी होती है, फास्ट आप चॉपिंग करते हैं तो हील का यूज किया जाता है। ये ऊपर का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये नाइफ का स्पाइन है, यानी कि नाइफ की हड्डी कह लीजिए आप, ये नाइफ का स्पाइन है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा नाइफ का ब्लेड है। और हैंडल जहाँ पर नाइफ ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर बोला जाता है इसको बॉयस्टर, ये इसको बॉयस्टर बोला जाता है। उसके बाद से जो ये आपको दिख रहा है ऊपर से, इसको बोलते हैं दोस्तों हैंडल। और इसके नीचे जो आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है टैंग। और ये जो है दोस्तों, ये है नाइफ का बट। तो पूरा मैंने आपको बता दिया कि नाइफ के क्या क्या पार्ट होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि नाइफ के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं कि नाइफ को होल्ड कैसे करते हैं। तो ये पूरा शेप नाइफ है, इसको होल्ड करने का तरीका है, आपने अपनी तीन उंगली को यहाँ पर रखना है, और ये वाली जो उंगली है आपको यहाँ पर रखनी है, और ये वाली जो उंगली है आपको ऐसे रखनी है, ये दिखाइए, यानी कि ऐसे आपको पकड़ना है टाइट से। और ऐसे आप कोई भी चीज़ काटेंगे, चॉप करेंगे, तो वो आपका अच्छे से कटेगा, ये आपकी ग्रिप है। बहुत से लोग नाइफ को ऐसे भी पकड़ते हैं, तो ये पकड़ना गलत है। आप इस तरह से नाइफ को पकड़िए, आपकी अच्छी ग्रिप बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, थैंक यू।